नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है धर्म बिजारवाल। दोस्तों सोच के देखिए कि रोज की तरह आप सुबह उठते हैं, नहा धो के अपनी बाइक उठा के हेलमेट पहन के एक नियमित स्पीड से अपने ऑफिस जा रहे हैं, और ठीक आपके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंसान के रूप में दरिंदा है, उसके लिए इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, और वो रोड पर अपनी गाड़ी लेके आता है और दो चार लोगों को गाड़ी से उड़ाता हुआ निकल जाता है। दोस्तों ऐसा एक मामला सामने आया, एक वीडियो आज सोशल मीडिया पे वायरल हुई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक कार है जिसके आगे की सीट पे ड्राइवर सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो गाड़ी चला रहा है, जिसका नाम रजत दलाल बताया जा रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये काम पुलिस का है। रजत दलाल बैठा हुआ है, साथ में उसकी एक महिला बैठी हुई है और पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि ये सारा मामला शूट कर रहा है। ये आदमखोर आदमी गाड़ी चलाता है, 140 की स्पीड पर लगभग ये गाड़ी चला रहा है और गाड़ी को आड़ी टेढ़ी, जैसे कि देखने से ऐसे लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो, एक गाड़ी चलाता हुआ रोड से निकलता है कि तभी एक बाइक वाले को साइड मार के गिर देता है। लड़की बोलती भी है कि वो शायद बाइक वाला गिर गया। उसके बाद ये व्यक्ति बोलता है, अच्छा वो गिर गया, मेरा तो ये रोज का काम है, ऐसा होता रहता है, और आप वही हो जो अच्छे इंसान होते हैं। इस तरह की बातें बोल के उस लड़की को चुप कराया था और ये तक बोलता है कि अच्छा चलो अब आगे से दोबारा नहीं करूँगा, ऐसा कहता हुआ ये आगे निकल जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति के लिए इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। ये उस व्यक्ति को टक्कर मारता है और लगभग 140 की स्पीड में अगर किसी को टक्कर मारी जाए, वो भी टू व्हीलर वाले को, तो उस स्थिति में आप सोच के देखिए उसके साथ क्या भयावह हालात होंगे। वो गिर के उसके साथ चोट लग सकती है, उसके हाथ पैर टूट सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ये उसको टक्कर मार के पीछे मुड़ के देखता तक नहीं है और सीधा वहाँ से हंसता हुआ निकल जाता है। फिलहाल इस वीडियो का संज्ञान पुलिस ने लिया और पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है और इस व्यक्ति को ढूंढ भी रही है, रजत दलाल को। अगर ये इस वीडियो के द्वारा अगर ये पता चलता है कि ये रजत दलाल ही है और ये घटना इसी ने घटित की है, तो बकायदा इसको पुलिस पकड़ेगी और इसके ऊपर बकायदा एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, रजत दलाल अपना आपके यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बोलता है और अभी पीछे भी इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद पुलिस ने इसको बकायदा गिरफ्तार भी किया था, जिसके अंदर इसने एक छात्र को उसके घर से अगवा किया, किडनैप किया, उसके बाद उसको मारा, उसके मुंह पे गोबर लगाया, पेशाब किया, उसकी पिटाई की और बकायदा उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल भी किया। उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया था, फिलहाल ये जमानत पे। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये व्यक्ति सुधरा नहीं है और किस तरह के हालात, किस तरह की हरकतें ये कर रहा है वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं इनको बढ़ावा मिलता है आप जैसे दर्शकों की वजह से। आप जब इन लोगों की वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसके बाद ये लोग अपनी इन छिछोरी हरकतों को और ज़्यादा करने लग जाते हैं और ज़्यादा अपनी हरकतों को बढ़ा देते हैं। इनका सिर्फ टारगेट होता है कि किसी तरीके से लोगों की रीच इनको मिलती रहे, लोग इनके चैनल पर आके इनको देखते रहें। बेशक इनको गालियां बगे, पर ये चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लाइमलाइट में रहें। तो ऐसे यूट्यूबर से बचें, ऐसे लोगों के कंटेंट को देखना बंद करें, अच्छे लोगों की वीडियो देखें, अच्छा कंटेंट देखें, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। इस तरह की घटनाएं देख के आम आदमी है या जो हमारे देश के युवा है वो क्या सीखेंगे। दोस्तों आप खुद समझदार हैं, फिलहाल पुलिस इसको ढूंढ रही है और क्या इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा उसकी तमाम जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बस आपसे दरख्वास्त ये, लगातार हमारे साथ बने रहें, वीडियो सही लगी तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।